हेलो स्टूडेंट्स, ये जो नई लेक्चर सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ फॉर क्लास टेंथ और लाइट से मैं शुरू करूँगा। इस लेक्चर सीरीज में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द टॉपिक्स। जो भी टॉपिक टेंथ में है उनको बिल्कुल बेसिक ढंग से सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें जब हम इनको पढ़े तो लॉजिक के साथ हम सारी चीज़ों को समझ सकें। आप सबको अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो हम शुरू कर रहे हैं लाइट से, ठीक है। तो लाइट के बारे में अगर मेरे मन में विचार आता है, मतलब अपना जो लेक्चर रहेगा वो बिल्कुल नॉर्मल, एकदम स्लो स्लो आराम से चीजों को समझने के लिए रहेगा, कि लाइट कुछ ऐसा है, मतलब लाइट के बारे में अगर अपन देखें तो आप और मैं पढ़ पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। लेकिन लाइट कुछ ऐसा है कि जो खुद नजर नहीं आता, वी कांट सी लाइट, किसी ने लाइट को नहीं देखा, बट लाइट मेक्स अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। रिचर्ड पी फेमन का स्टेटमेंट है कि लाइट खुद नजर नहीं आती है, वी कांट सी लाइट, बट लाइट मेक अस टू सी एवरीथिंग। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सिर्फ लाइट की वजह से दिख रहा है। अगर सनलाइट, डे लाइट, मून लाइट, बल्ब लाइट, ट्यूब लाइट, ये लाइट अपने पास नहीं हो तो वी वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग अराउंड अस। तो लाइट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, मतलब ऐसा कुछ है जो खुद नहीं दिखता बट सब कुछ हमें दिखाता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लाइट। नाउ लाइट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्लास टेंथ में वी डील विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मींस हम लाइट को पार्टिकल मानते हैं, वो पार्टिकल जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले बेसिक चीजों में हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है रे के बारे में बात करते हैं कि रे, नाउ व्हाट इज रे, रे क्या है। रे इज ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, हम ये कहते हैं सिंगल स्ट्रेट लाइन विद एरो, जिसमें एरो क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, मैंने क्या बोला कि लाइट को हम एक पार्टिकल मानते हैं, वी अज्यूम लाइट एज ए पार्टिकल। तो पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो है वो क्या बन गई है, रे। और ये जो एरो है वो क्या बता रही है बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बता रही है, कि रे जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो रे इज ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। रे के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट इट इज ए सिंगल पेंसिल स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या बेटा, रे है, जिसमें एरो हमें बता देती है कि आपकी रे जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है या लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। दैट इज वेरी इजी। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, दैट इज बीम। बिल्कुल आराम से बात करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चीजों को समझना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट कि वाकई लाइट होती क्या है, क्या हम पढ़ते हैं, क्या चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, सब हम समझेंगे आराम से। बीम क्या होता है, तो जब भी हम पढ़ते हैं कोई भी ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे, लाइट में हम पढ़ेंगे, तो कभी भी रे, एक रे बहुत ही कम आप देखोगे। वी विल ऑलवेज डील इन द टर्म्स ऑफ बीम। प्रैक्टिकली लाइट, ये सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। लाइट ऐसा नहीं कि हमने बीम को या रे को आप देख सकते हो, नहीं, वी हैव इमेजिनड इट, हम सब ने ये माना है, सोचा गया है। तो बीम जो है, बीम इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ रेस, मतलब खूब सारी रेस अगर एक साथ जा रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, बीम। तो बीम इज बेसिकली व्हाट, कलेक्शन ऑफ रेस, बहुत सारी रेस है हमारे पास और उन सबको एक साथ मिला दें तो जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज नोन एज बीम, उसे हम बीम कहते हैं। तो बीम की अगर आप बात करें तो व्हाट इज बीम, बीम इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ रेस, रेस का जो कलेक्शन है वही क्या बेटा, बीम है, समझ रहे हो। अब बीम में क्या सर, एरो नहीं होती, बीम में भी एरो होती है ना, बीम में भी एरो हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में एरो हो सकती है, लेकिन सब सारी की एक बीम है तो हर उस बीम में सब रेस की डायरेक्शन एक ही होगी, है ना, डायरेक्शन जो होगी वो एक होगी। अब बीम से अपना ऑप्टिक्स जो है या लाइट चैप्टर जो है वो थोड़ा बहुत शुरू होता है, जो थोड़ा बहुत अपने को समझने की जरूरत जहां पड़ती है। अरे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, बीम इज ए कलेक्शन ऑफ रेस, खूब सारी रेस का जो कलेक्शन उसे क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। ना बीम काफी तरह की होती है, काफी मतलब तीन तरह की बीम हम देखते हैं, नॉर्मली डील करते हैं।
ठीक है। तो तीन तरह की बीम में कौन कौन सी बीम होती है, सबसे पहले देखिए आप, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से बीम है, ये रे है, ये एक रे है, ये एक रे है, ये एक रे है। एरो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे, है ना। रेस इस डायरेक्शन में जा रही है, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। मतलब रेस जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज व्हाट बीम, कलेक्शन ऑफ रेस। मैंने क्या कहा, कलेक्शन ऑफ रेस इज बीम। अब मैं ध्यान से देखता हूं तो यहां पर इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो डायमीटर इतना बड़ा है, इस बीम का डायमीटर इतना बड़ा है। इस पॉइंट पर देखता हूं तो बीम का डायमीटर इतना बड़ा हो गया, और इस पॉइंट पर देखता हूं तो बीम का डायमीटर इतना बड़ा हो गया। नाउ इफ आई एम गोइंग टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे में जाता हूं तो डायमीटर ऑफ बीम है ना, इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे, इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे या बीम कहेंगे, रेस की जगह बीम कह दूं, डायमीटर क्या हो रहा है, इस इंक्रीजिंग, डायमीटर इज इंक्रीजिंग, डायमीटर बढ़ रहा है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे में जा रहा हूं तो डायमीटर जो रहा है पहले छोटा था फिर और बढ़ गया और बढ़ गया। सो दिस टाइप ऑफ रेस आर बीम इज नोन एज डाइवर्जिंग बीम। कौन सी बीम कहेंगे हम, डाइवर्जिंग बीम कहेंगे, कि अगर किसी कलेक्शन ऑफ रेस का डायमीटर जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ रेस, देन दैट टाइप ऑफ बीम इज नोन एज डाइवर्जिंग बीम, उसे हम डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। तो बीम इज कलेक्शन ऑफ रेस, बीम कन्वर्जिंग भी हो सकती है, डाइवर्जिंग भी हो सकती है, और पैरेलल भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमने कौन सी बीम पढ़ी है, डाइवर्जिंग बीम के बारे में पढ़ा। आप स्क्रीन पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाएं, पूरा लेक्चर चलेगा आराम से, है ना, पूरा चैप्टर आपको मिलेगा यहां पर। देखिए अब ये डाइवर्जिंग बीम की बात कर रहे हैं, अब अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा और अपन पढ़ते हैं, अगर ये ऐसे होने लग जाए, ध्यान से देखो कि यहां पर इस तरह से है, ये इस तरह से, ये सारी की सारी क्या बेटा रेज है, एक रे तो है नहीं, देर आर मैनी रेज, मैनी रेज, ये रे है, 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 ठीक है। अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ बीम या रेज की, यही डायरेक्शन है, पिछले वाली डायरेक्शन थी, ठीक है। अब अगर मैं देखूं यहां पर डायमीटर देखता हूं, सो दिस इज द डायमीटर ऑफ बीम, डायमीटर है बीम का, फिर थोड़ा आगे जाकर देखता हूं तो ये डायमीटर है बीम का, फिर और आगे देखता हूं तो ये डायमीटर है बीम का, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ बीम। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, या आराम से ध्यान से भी ना देखे और नॉर्मली भी देखे अगर आप, तो आपको साफ नजर आ रहा है कि डायमीटर ऑफ बीम इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे। तो अगर डायमीटर ऑफ बीम, डायमीटर ऑफ बीम इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो इस तरह की बीम को वी कॉल इट कन्वर्जिंग बीम, हम इसे कन्वर्जिंग बीम कहेंगे, ठीक है। तो पहली बीम में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में बीम का डायमीटर जो है वो बढ़ रहा था, इसमें क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, तो पहला वाला डाइवर्जिंग था और ये वाला क्या बेटा, कन्वर्जिंग है, ठीक है, दिस इज द थिंग। अब अपन इसको थोड़ा और आराम से समझते हैं, चीजों को देखते हैं। मान लो कई बार क्या होता है, जैसे मैं डील करता हूं, तो अभी तक हमने दो तरह की बीम पढ़ी, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, हम आराम से पढ़ेंगे चीजों को, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने क्या बोला कि मान लो मेरे पास ये कोई कप है, चाय का कप है या कोई भी कॉफी का मग है, कुछ भी मग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपने रखा, ठीक है। अब इस मग को मैंने यहां रखा, और मग को मैंने रख दिया कहां पर,
बीच में रास्ते में रख दिया ऑफ कन्वर्जिंग बीम। यहां पर कुछ बीम थी जो कन्वर्ज हो रही थी, तो मैंने यहां बीच में यहां पर रास्ते में रख दिया। अब अगर ये मग नहीं होता, ये देखो कन्वर्ज हो रही थी, डायरेक्शन से पता चलेगा। अगर ये एरो का ही खेल है, अगर ये एरो इधर हो जाती तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर हो जाता, तो डायमीटर क्या होता, बढ़ता, तो यही बीम क्या हो जाती, डाइवर्जिंग। अभी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर है और इधर आते हुए रेज में डिस्टेंस कम हो रहा है, डायमीटर कम हो रहा है, तो ये क्या, कन्वर्जिंग। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। अब अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये रेज शायद इस तरह से यहां पर क्या कर रही होती, कन्वर्ज कर रही होती एक पॉइंट पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट बीच में रख दिया तो अब ये कन्वर्ज नहीं कर पा रही। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो रेज गिर रही है या जो कहें बीम गिर रही है वो कैसी है, कन्वर्जिंग। कैसी है, कन्वर्जिंग। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। अब अपन थोड़ा सा और अपन देख लें। मान लो मैं इस पॉइंट के बजाय मग को थोड़ा दूर रख देता हूं, ये मग है ठीक है, पहले मग को यहां रखा था, अब मग को थोड़ा यहां रख देते हैं, दिस इज द थिंग, यहां पर रख दिया जाता है, ये मग है, इसको यहां रख दिया। अब जो बीम थी वो सारी की सारी बीम, जो रेज है वो यहां आकर मिलने वाली थी, तो यहां आकर मिल गई, क्योंकि पहले तो रास्ते में था वो, अब रास्ते में नहीं है, तो अब ये यहां से यहां कौन सी बीम है, दिस इज वॉज कन्वर्जिंग बीम, ये यहां आकर मिलेगी। आपको पता है यहां से मिलने के बाद क्या होगा, दे विल अगेन मूव, रुकेंगी थोड़ी, वो तो आगे की तरफ जाएंगी। अब देखिए इस तरह से बीम आगे की तरफ चली जाएगी। अब एक डिफरेंस नोट कीजिए, यहां से यहां तक ये बीम क्या है, कन्वर्जिंग, और यहां से यहां तक बीम क्या है, डाइवर्जिंग। दोनों को मैंने मिक्स करके एक एग्जांपल बताया। इस फर्स्ट केस में मग पर जो बीम गिर रही थी वो कैसी थी, कन्वर्जिंग। अब इस मग पे जो बीम गिर रही है वो कैसी है, डाइवर्जिंग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस एग्जांपल के बाद आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीम, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब भी हम मिरर वगैरह पढ़ेंगे तो इन दोनों का समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज कन्वर्जिंग बीम, व्हाट इज डाइवर्जिंग बीम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नाउ आई कैन रब इट। सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस बिटवीन रेस डायरेक्शन प्रोपगेशन में कम हो रहा हो तो कन्वर्जिंग है, और अगर बढ़ रहा हो तो क्या बेटा, डाइवर्जिंग है। आराम से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जब ये हमें समझ आ जाता है कि एक कन्वर्जिंग बीम है और एक डाइवर्जिंग बीम है, तो उसके बाद अपने पास टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन की बात हम करते हैं, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब हम डेफिनेशन 8 में भी पढ़ते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई भी सरफेस से लाइट टकराकर वापस आ जाए उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, दीवार से रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर मैं घर में तैयार हो रहा हूं तो मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन के कारण ही हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, समझे, देयर इज अ डिफरेंस, अभी समझेंगे अपन कैसे देख पाते, क्या देख पाते, बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट चीजें हम समझेंगे। तो रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस इज रिफ्लेक्शन। अच्छा सर, कोई भी सरफेस से, हाँ सरफेस चाहे रफ हो चाहे स्मूथ हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला जो रिफ्लेक्शन है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर मैं बात करूं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूं, दोनों में फर्क होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में मुझे जो सरफेस चाहिए दैट शुड बी स्मूथ, वेरी स्मूथ, पॉलिश होनी चाहिए, बहुत ही स्मूथ सरफेस चाहिए। ठीक है, रफ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, स्मूथ सरफेस। ठीक है, वेरी स्मूथ सरफेस वी रिक्वायर फॉर दिस रेगुलर रिफ्लेक्शन। और नॉर्मली हम उसको कैसे करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस पर एक लाइट रे कभी भी ऑप्टिक्स में नहीं पड़ते, हमेशा बीम पड़ते, जो मैंने आपको बताया। तो अभी आपको बताया कि अभी मैंने बताया नहीं था, तो मैं यही समझाने वाला था, क्योंकि इसको ये वाली बीम है, रेज है। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे, व्हाट यू विल से, व्हाट काइंड ऑफ बीम इज दिस, इसका क्या
डायरेक्शन प्रोपोगेशन में डायमीटर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा सर। यहां जो डायमीटर है वही डायमीटर यहां है, वही डायमीटर यहां है। तो यह पैरेलल बीम, कौन सी बीम है? पैरेलल, जो बड़ी कॉमन है इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। तो अगर मैं कोई भी पैरेलल बीम को किसी सरफेस पर प्रोजेक्ट करता हूं तो मुझे बदले में जो बीम मिलेगी, जो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, दे विल बी ऑल पैरेलल, वो भी सब पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर आपने पैरेलल बीम को डाला है तो बदले में आपको जो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, इंसिडेंट है, दीज आर रिफ्लेक्टेड, दे ऑल विल बी पैरेलल, सारी की सारी पैरेलल होंगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आ रही है सिमेट्रिकली दूसरे डायरेक्शन में उसी तरह से चली जाएगी। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, एक सवाल बड़ा आता है बच्चों के मन में, क्या सर इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं? हाँ, बिल्कुल फॉलो होते हैं। जो आई इक्वल टू आर है वो बिल्कुल फॉलो होता है, इट इज फॉलोड। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड, आई इक्वल टू आर जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, अच्छा, मींस इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस होता ही, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब ये पैरेलल बीम आ गई, अच्छा सर हम कैसे पहचाने हमारे आसपास कहां हो रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन और कहां नहीं हो रहा है? आपने तो बोला कि बोर्ड में भी रिफ्लेक्शन है, दीवार में भी रिफ्लेक्शन, हर जगह रिफ्लेक्शन है, फिर रेगुलर कहां हो रहा है? शीशे के सामने मैं खड़ा हूं, तो शीशे के सामने अगर मैं खड़ा हूं तो जो रिफ्लेक्शन शीशे में हो रहा है वो रेगुलर है। जहां कहीं रिफ्लेक्शन के बाद मुझे मेरी इमेज नजर आ रही हो वो रेगुलर है। अगर आपका फर्श है, फ्लोर है, वो बिल्कुल अच्छे से पॉलिश है और आपको आपको उसकी आपको अपनी शक्ल उसमें दिखाई दे रही है, देन दैट रिफ्लेक्शन इज रेगुलर। पानी के सरफेस पर अगर आपको अपनी शक्ल दिखाई दे रही है, वेन यू कैन सी इमेज ऑफ योर सेल्फ और एनी ऑब्जेक्ट, देन दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज रेगुलर। जैसे अखबार आप सुबह पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक में अगर आपको अपनी शक्ल थोड़ी नजर आती है, नहीं, लेकिन बुक से लाइट पढ़कर आपको दिखाई देती है। सो रिफ्लेक्शन तो है पर वो रेगुलर नहीं है। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो है जिसमें पैरेलल बीम आए तो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल बीम ही जाए। और आम जनरली कैसे पहचानेंगे हम कि जहां पर हमें अपनी शक्ल दिखाई दे, इमेज दिखाई दे, वो रेगुलर है, जहां नहीं दिखाई देगी वो इरेगुलर है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको बस समझना जरूरी है कि वाकई में रेगुलर होता क्या है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि रेगुलर में क्या होता है। जनरली आम भाषा में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो रेगुलर कौन सा है? अभी इरेगुलर की बात होगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट इरेगुलर। आराम से आप नोट करें, जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर सकते हैं। एग्जाम लाइक कुछ भी होगा वो मैं आपको लिखवा दूंगा, बोर्ड लाइक कुछ भी होगा। ठीक है, तो अब जैसे इरेगुलर की बात करते हैं, इरेगुलर, अब इरेगुलर में क्या होता है सर? इरेगुलर इज द मोस्ट रेगुलर फॉर यू, मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपके चारों तरफ सबसे ज्यादा रेगुलरली आपको दिखता है, ये मेरे कहने का मतलब था। इरेगुलर ही है आसपास, जहां आपको शक्ल नजर आ रही हर जगह इरेगुलर ही है। अब जैसे इसमें जो सरफेस होती है वो रफ होती है। अब जो हम डायग्राम बुक्स में आपको बना हुआ दिखता है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक डायग्राम होता है ना। बुक में हम क्या देखते हैं कि ऐसे करके रफ सरफेस है। किसी भी सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखोगे, दीवार को ऐसे देख रहे हो, अभी बोर्ड को देख रहा हूं तो तुमको ऐसी नजर आ रही है? नहीं आ रही। दीवार नजर आ रही है? नहीं आ रही। अखबार नजर आता है, बुक नजर आती है? नहीं। लेकिन माइक्रोस्कोपिकली अगर आप उसको देखोगे तो आपको इस तरह की उसकी सरफेस नजर आएगी। तब इससे होता क्या है? इससे क्या होता है? थोड़ा सा और सर, जब माइक्रोस्कोप से देख रहे हो थोड़ा थोड़ा और माइक्रो करवा दो, चलो थोड़ा सा और इसको कर देते हैं, तो माइक्रोस्कोपिकली थोड़ा बड़ा व्यू, ऐसे होता है, ऐसी सरफेस होती है। समझने में आसान रहेगी। अब सर हमारे पास जो बीम आई वो पैरेलल आई, बिल्कुल आई, पैरेलल बीम आई, ये एक रे आ गई, दूसरी रे आ गई, तीसरी रे आ गई, हाँ सर आ गई, चौथी रे भी आती है, पांचवी भी आती है, छठी भी आती है, तीन रे हम ले रहे पैरेलल। अब क्या होता है सर, ये कैसे रिफ्लेक्ट होंगी? इनके मनमर्जी के हिसाब से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं क्या? जहां चाहे उधर रिफ्लेक्ट हो जाती है? नहीं, यहां भी आई इक्वल टू आर फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही होगा, नहीं, जहां कहीं रिफ्लेक्शन होगा वहां आई इक्वल टू आर तो फॉलो होगा ही। पर प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो इस यहां पर ये सरफेस पर परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, ये परपेंडिकुलर डॉटेड वाला, तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जाए और इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जाएगी।
और इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। तो सरफेस प्लेन नहीं होने की वजह से जो परपेंडिकुलर बनता है, जो नॉर्मल बनता है, नॉर्मली हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्लास 8 में पढ़ते हैं कि पहले एक नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट होता है, ये सिमेट्रिकली पास होता है। तो यहां पर क्या, नॉर्मल कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे, नॉर्मल का डायरेक्शन एक जैसा नहीं है, तो उसके कारण रिफ्लेक्टेड रेस सब सेम डायरेक्शन में पैरेलल नहीं जाती हैं, वो डिफ्यूज सी हो जाती है, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, वो डिफ्यूज फॉर्म में, स्टेगर्ड फॉर्म में जो है वो चली जाती है, तो इसकी वजह से इमेज नहीं बन पाती, पैरेलल में इमेज बन जाती है, इमेज नहीं बनती है। और इमेज नहीं बनती है तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट का सरफेस दिखाई देता है, आप खुद को उस ऑब्जेक्ट के अंदर देख नहीं पाते। यहां भी इक्वल टू आर फॉलो होता, बट द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, बट द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, वो पैरेलल नहीं है। दिस इज द मेजर डिफरेंस जहां हमें अपनी इमेज दिखानी थी। अब ये जो मैंने आपको दिखाया है ये एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया है। नॉर्मली होता क्या है आप समझिए, क्या होता है जो हम आसपास चीजों को कैसे देख पा रहे हैं, है ना, ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि मैं कैसे अखबार पढ़ पा रहा हूं, कैसे मैं देख पा रहा हूं। देखो नॉर्मल बात बताता हूं मैं आपको, मान लो मेरे पास ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस, ये कोई भी सरफेस है, दीवारी, आपने एक टॉर्च की लाइट हम डालते हैं, टॉर्च की लाइट डालते हैं, ये टॉर्च की लाइट है, ऐसे मैंने डाली एक टॉर्च की लाइट, बीम है पूरी की पूरी, बीम, बीम ऑफ टॉर्च की लाइट है, खूब सारी रेज है इसमें, मल्टीपल रेज, जो मैंने डाल दी, एक साथ आ गई बीम, आ गई टॉर्च से। अब ऐसा होता है अगर मैं यहां टॉर्च डालूंगा, मान लो यहां से यहां टॉर्च डाल रहा हूं, तो ऐसा थोड़ी है कि टॉर्च बिल्कुल यहीं वापस दिखाई देती है, होता होना तो क्या चाहिए कि ये इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड भी ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल सीधा वापस आ जाना चाहिए। लेकिन आप टॉर्च को, अगर हमने टॉर्च यहां डाली है तो मैं उस कोने से भी टॉर्च की लाइट को देख सकता हूं, इस कोने से भी देख सकता हूं, इधर जाके भी देख सकता हूं, किधर भी जाकर टॉर्च की लाइट को देख सकता हूं। जो टॉर्च की लाइट दीवार पे आप डालते हो, अपना कमरा बंद कर लो, लाइट बंद कर लो, सॉरी कमरा तो बंद होगा ही, और आप टॉर्च डालो दीवार पे, तो आप टॉर्च को रख जाओ सामने, और आप देखो टॉर्च सिर्फ सामने से दिखाई नहीं दे रही आपको वो रोशनी, आपको दीवार पे जो टॉर्च का जो ब्राइट स्पॉट है वो आपके को कमरे के किसी भी कोने में चले जाओ आपको दिखाई देता है, क्योंकि उस दीवार से क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, इरेगुलर। इरेगुलर में क्या होता है कि वो जो रेज है वो सब डायरेक्शन में फैल जाती है, पैरेलल आती तो पैरेलल जाए जरूरी नहीं है, यहां क्या होता है पैरेलल पैरेलल नहीं जाती, वो सब डायरेक्शन में फैल जाती है, तो आप कहीं से भी देखेंगे तो आपकी जो आंखें हैं, सॉरी दिस आर योर आईज, कहीं से भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ये काम किसी मिरर के साथ करते हैं, आप मिरर के जस्ट जाइए, प्लेन मिरर लीजिए, आपके घर में दीवार होगी, वो सॉरी मिरर होगा जहां मम्मी पापा या आप तैयार होते होंगे, कमरा बंद कीजिए, उसके सामने टेबल लगाइए और उस टॉर्च डालिए, आपको वो टॉर्च की लाइट कमरे की किसी और कोने से दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल जब आप सामने खड़े होंगे मिरर के तभी आपको मिरर में दिखाई देगी, क्योंकि मिरर अगर यही है, मिरर होता, ये इरेगुलर सरफेस नहीं होती और ये प्लेन मिरर होता, और तब मैं टॉर्च की लाइट इस तरह से डालता तो वापस टॉर्च की लाइट ऐसी दिखाई देती, यहां पर आपको टॉर्च की लाइट दिखाई नहीं देती, आपको यहीं से दिखाई देती। तो दिस इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट विच यू कैन डू एट योर होम टू आइडेंटिफाई रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, कि रेगुलर में पैरेलल बीम जाती है, इरेगुलर में पैरेलल बीम भी जाती है, इरेगुलर में पैरेलल बीम ही आती है, इरेगुलर में बीम पैरेलल नहीं आती है, स्टेगर्ड हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो बस आप लोग एक हेल्प कीजिए मेरी, जितने भी आसपास आपके फ्रेंड वगैरह हैं उन सबको शेयर कीजिए, ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट्स है लाइट के बारे में, दैट कैन बी इंप्रूव्ड, इंप्रूव हो सके वो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो शुरू करेंगे हम ऑब्जेक्ट और इमेजेस के बारे में, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। तो जिस तरह से मैंने आपको रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, बाकी कॉन्सेप्ट उसी तरह से वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच।